पर हमारा ये मानना है कि कोई ताली दे चाहे गाली दे, हम हो चुके रमण बिहारी के। गुरुपद सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। और एक अलग हमने जोड़ा ही है उसमें, कोई चुगली करे चाहे गुगली दे। यहां गुगली से भी बोल्ड होने वाले नहीं है, क्यों? क्योंकि हम हो चुके रमण बिहारी के। वो नहीं होने देगा हमें, हम तो हो जाते पर वो नहीं होने देगा। उसके प्रति हमारा समर्पण हो। शरणागति से भी ऊंची चीज है प्रपत्ति। शरणागत उसको कहते हैं जब किसी अभाव में, दुख में कोई किसी के पास आता है, उसको शरणागति कहते हैं, शरण आ गया। यद्यपि भगवान शरणागत के भी रक्षक हैं, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। शरण आ जाने पर भी मंगल है, लेकिन अगर प्रपन्न हो गए, प्रपत्ति आ गई, आसलिश्चम वा पादरताम पिनष्टुमाम शिक्षाष्टकम श्रीमन महाप्रभु करें, हे कृष्ण तुम मुझे गले लगाओ, अपने पास रखो, मेरी बड़ाई करो, मुझे सुख दो, सुविधा दो, या चाहो तो मेरे ऊपर पादप प्रहार करो, सीधी बात लात मारो, तुम्हारी भाषा में पादप प्रहार करो मेरे ही सामने। जो धोखेबाज हैं उनको गले लगाओ, और मैं जीवन भर तुम्हारी उपासना करता रहूं और मुझे दूर दूर करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान बोले क्यों? तो अंतिम लाइन महाप्रभु कहते हैं, मम प्राणनाथस्तु एव सनापरः। हे कृष्णा, मेरे प्राणनाथ तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, कोई और नहीं है। इसलिए तुम्हें जो करना है करो, पर मेरे प्राणनाथ तुमको मैंने घोषित कर दिया है और तुम ही रहोगे, कभी मैं छोड़ने वाली नहीं। इसको बोलते हैं प्रपत्ति। कारण से रिश्ते तो बहुत होते, सारी दुनिया कारण से जुड़ा हुआ है, सारा दुनिया कारण का है, कारण से ही सब जुड़ा हुआ है। पर भगवान का प्रेम, ईश्वरीय प्रेम और गुरु प्रेम, भगवान का एक नाम है अकारण करुणा वरणालय। अकारण करुणा वरणालय, किसी कारण से करुणा करें, 10 रुपए दें और 10 रुपए का साबुन दे दो, तो कौन सी तुम्हारी बहुत बड़ी हमारे ऊपर उपकार है भैया? माल दिया, सामान दिया, व्यापारी आदमी। 10,000 रुपए तुमको जाके दिए, फ्रिज दे दिया, व्यापारी आदमी हो। पर भगवान के विषय में कहा जाता और गुरु के विषय में कहा जाता अकारण करुणा वरणालय, बड़ा तुम डंक भी मारते रहोगे बिच्छू की तरह, तब भी वो तुम्हें नदी से निकाल करके तुम्हें रेत पर रखेंगे कि तुम्हारी जिंदगी बच जाए और तुम सीधे हो जाओ, आनंदित हो जाओ। ये उनका स्वभाव है। दुर्जन अपना स्वभाव नहीं छोड़ते और सज्जन अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, गुरु नहीं बदलता। हाँ, लोग कहते हैं गुरुजी खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, आपको भी बदलना चाहिए। हूं खरबूजा नजर आ रहे तुम, तो अच्छा खासा आदमी 5.5-6 फुट का, हमको खरबूजा कह दिया, ये खरबूजा खरबूजे को रंग दे। गिरगिट भी रंग बदलता है, हमको गिरगिट नजर आ रहे हैं। वो योनि चली गई, सांप की, बिच्छू की, गिरगिट की, कुत्ते की, गधे की, सुकर की, कुकर की। तब तो जाके दुर्लभो मानुषो देही देही नाम क्षण मंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अब जाके दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, दुर्लभो मानुषो देही। और अब भी तुम हमारी तुलना गिरगिट से कर रहे हो, खरबूजे से कर रहे हो। और तो और आदमी कहते हैं शेर हूं मैं, काहे को शेर बनने, इतनी मुश्किल से तो पशु में आदमी में तुम्हारी, मनुष्य में तुम्हारा जीवन आया और फिर अपने आप को डिमोशन कर लिया अपना। हर आदमी प्रमोशन चाहता है, तुम डिमोशन चाहते, शेर हूं मैं। तुम्हारा परिचय एक ही है जीवन में, जो परिचय हनुमान जी ने दिया लंका में। हमारा ये प्रसिद्ध बात है, इसके बिना हमारी कथा पूरी नहीं होती, शुरू भी नहीं होती। हनुमान जी गए
लंका में रावण परम विद्वान, रावण ने पूछा, बंधे बंधाए आए हुए हैं, सब मामला घट गया है, अशोक वाटिका इत्यादि उजड़ गए हैं, अक्षय कुमार मारा गया है, ये अक्षय कुमार नहीं, रावण का बेटा अक्षय कुमार, उन्हें हमको लोग कल फंसा देंगे, अक्षय कुमार कब मारा गया गुरु जी? हम एक जगह कह रहे थे कि भैया देखो भगवान जब भी इस धराधाम पर आते हैं लीला करने के लिए तो तीन देवियां उनके साथ होती हैं, भूदेवी, लीला देवी और श्रीदेवी। अब ये 15-20 साल पहले एक बालक उठ के खड़ा हो गया, कहा गुरुजी एक को तो जानता हूं, ये दो कौन है? हम किसको जानता? बोला श्रीदेवी को तो जानता हूं। हमारे नालायक, वो श्रीदेवी नहीं, श्री श्रुणोति आश्रित जन दुखम इति श्री, श्री के अनंत परिभाषा है। और वृंदावन में तो श्रीजी हमारी राधा रानी, और पूरी दुनिया में हमारी श्रीजी वही है, पूरे ब्रह्मांड में श्रीजी हमारे लिए वही है। हम लक्ष्मी जी को श्रीजी हैं, लक्ष्मी जी, पर हमारे लिए राधा रानी है। वृंदावन के लोग, ब्रज के लोग, ब्रज के बिरहीन लोग बेचारे, यहां तो प्रेम है, ऐश्वर्य नहीं है, यहां ऐश्वर्य का कभी प्रभाव नहीं रहा ब्रज में। आप कितने ऐश्वर्यशाली हैं, कितना धन है, कितनी संपत्ति है, ब्रज की भूमि आपको स्वीकार नहीं करती साहब। ब्रज की भूमि आपके हृदय के भीतर में उपस्थित प्रेम को स्वीकार करती है। ये वृंदावन प्रेम की भूमि,